दोस्तों याद रहे, YouTube हमारे इस वीडियो की नोटिफिकेशन 19 लाख सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ 1000 लोगों को ही भेजेगा और थोड़ी देर में इस वीडियो को भी गायब कर देगा, क्योंकि उसे अश्लीलता से ज्यादा पैसे मिलते हैं, न कि हमारे जैसे ज्ञानवर्धक वीडियो से। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस लाते रहें, तो कृपया इसे इतना शेयर करें कि YouTube के मुंह पे तमाचा लग सके। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? जब से मानव जाति ने दूसरे ग्रहों और आकाश गंगाओं की खोज की है, तभी से मनुष्य जाति एक इंतजार में है कि कोई दूसरी दुनिया से हमसे एक दिन जरूर संपर्क करेगा। इस दुनिया की हर एक स्पेस एजेंसी ने इसी खोज में अपने यंत्रों को गहरे अंतरिक्ष की निगरानी करने में लगा रखा है, इस उम्मीद में कि किसी दूसरी दुनिया का संकेत हम लोग पकड़ सकें। आज तक ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जब वैज्ञानिकों को यह विश्वास हो गया कि उन्हें दूसरी दुनिया के सबूत मिल गए हैं। असली साइंटिफिक हाइपोथेसिस से लेकर दूसरी दुनिया की यान की मशहूर क्रैश साइट तक आज हम आपके लिए ऐसे ही सबूत लेकर इस वीडियो के माध्यम से आए हैं। रशियन स्पेस एजेंसी ने अंतरिक्ष से आती हुई अजीब चीज पाई है। दरअसल रशियन स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष में सूर्य ग्रह के पास मौजूद हरक्यूलिस तारामंडल, जो हमसे 94 लाइट ईयर्स दूर है, उस पर निगरानी कर रही थी। तभी उनको चौंकाने वाली चीज मिली। दरअसल रशिया देश के सबसे आधुनिक टेलीस्कोप, जो दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है, रतन 600 ने उस सेगिटेरियस तारामंडल से बेहद तेज और साफ सिग्नल्स को आते हुए पकड़ लिया। इस रहस्यमय सिग्नल को रशियन सरकार ने दुनिया से पूरे एक साल तक छुपा कर रखा और क्या क्या शोध चालू किए और क्या सफलता हासिल करी, यह आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन स्पेस ट्रीटी के कारण रशियन सरकार को इसे घटना को एक साल के बाद अपने देशवासियों और पूरी दुनिया को इस सिग्नल की जानकारी देनी ही पड़ी। तो क्या यह रहस्यमय सिग्नल वाकई दूसरी दुनिया के लोगों ने भेजे थे या नहीं, चलिए जानते हैं। यह सिग्नल आज से 94 लाइट ईयर्स पहले भेजे गए थे, जो आज धरती पर हमारे पास पहुंचे। यानी इस बात का मतलब यह हुआ कि इस सिग्नल की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि 94 लाइट ईयर्स के बाद भी वह अंतरिक्ष में चल रही है और ना जाने कितने और साल तक यह सफर तय करती रहेगी, और यह तब तक अंतरिक्ष में और सफर जारी रखेगी जब तक इस सिग्नल की एनर्जी खत्म नहीं हो जाती। इस बात पर वैज्ञानिकों ने कहा है कि आज से 94 लाइट ईयर्स पहले इस सिग्नल में इतनी एनर्जी रही होगी जितनी एक सुपरनोवा में होती है, यानी इतनी एनर्जी कि किसी आकाश गंगा को खत्म कर दे। और जब धरती पर वैज्ञानिकों ने इसे रिसीव किया, तब 94 प्रकाश वर्ष के बाद भी इसमें इतनी एनर्जी थी कि पृथ्वी की सारी एनर्जी को दुगना भी कर दिया जाए तब जाके इस सिग्नल की एनर्जी की बराबरी हो पाएगी। वैज्ञानिकों ने आगे यह बताया, यानी इसका मतलब यह सिग्नल नेचुरल तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि किसी दूसरी दुनिया की सभ्यता ने अंतरिक्ष में जानबूझकर यह भेजे थे। अब यह सिग्नल को डिकोड करके समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या मतलब है इस सिग्नल का, और क्या अब 94 लाइट ईयर्स के बाद भी वहां दूसरी दुनिया के लोग हैं भी या नहीं,
यह जानने की कोशिश में अब हर देश के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। वैज्ञानिकों ने अपने कई यान और यंत्रों को इस सैगिटेरियस तारामंडल की तरफ भेजा है और जानकारी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि अभी हम मनुष्यों में इतना विकास नहीं हुआ कि हम भी इस सिग्नल के जवाब में ऐसा ही ताकतवर सिग्नल अंतरिक्ष में भेज सकें जो 94 लाइट ईयर्स दूर तक सफर भी तय कर पाए। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमें वोयाजर स्पेस प्रोब्स में धरती की जानकारी भरकर अंतरिक्ष में भेजना नहीं पड़ता। जो भी हो, सबसे बड़ी बात इस सिग्नल से यह साबित होती है कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जानते और अभी हमें बहुत कुछ खोजना बाकी है।